सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे और आज की वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द होम लोन्स के बारे में। होम लोन जो ये टॉपिक आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक में से एक है और कहीं ना कहीं ये लोगों का एक ही ड्रीम होता है कि वो अपने जो है ज़िंदगी में एक बार ऐसा काम कर जाए जिसकी वजह से वो जो है अपने घर में अब जो है प्रवेश कर सके। खुद का घर मतलब कहते हैं कि भले छोटा हो लेकिन अपना होता है तो उसमें फीलिंग अलग होती है। लेकिन ऐसे में बात करते हैं अगर आज की रेट के सारे एक्सपेंशन रिपोर्ट के हिसाब से और सारी चीज़ों को हम मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे लोगों के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से लोग सेविंग की तो यहाँ पे जो है नाम नहीं ले सकते हैं। ऊपर से दूसरी चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है उनकी जो सैलरी है वो एक लिमिटेड है। काम भले अनलिमिटेड उनको करना पड़ता हो लेकिन जो उनकी सैलरी है वो लिमिटेड है और उसके बेस पे जो है वो कहीं ना कहीं जब सेविंग ही नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है एक घर लेने का जो ड्रीम है वो सिर्फ ड्रीम बनके रह जाता है। लेकिन ये चीज़ आज की डेट में पॉसिबल है क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा जो है इस चीज़ को एक्सपेंस करके जो थोड़ा सा देखते हो, अगर थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके देखते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके एक्सप्लोरेशन में आपको जो है आपकी ये ड्रीम पॉसिबल है। जी हाँ, अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में बात करूँ तो आज की वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग जो है अपने हाउसिंग लोन्स को ले सकते हो, हाउसिंग लोन्स को आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, होम लोन्स को कैसे अप्लाई कर सकते हो, उस होम लोन्स को अप्लाई करके आप खुद के ओन हाउस को कैसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, इस चीज़ के लिए इस वीडियो को पूरा बनाया जा रहा है। सबसे पहले बता दूं आज हम जिस बैंक से जो है यहाँ पे होम लोन्स लेने वाले हैं उस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इंडिया का इंटरनेशनल बैंक भी इसको कहा जाता है और बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड बैंक भी है और इसके जो है काफ़ी सारे सर्विसेज जो बहुत ज़्यादा कमाल की भी हैं। अभी बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसे आप लोग होम लोन्स लोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें मैटर करती है। सबसे पहले इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें मैं ही बताने वाला हूँ, जैसे कि आप बात करते हैं कि लोन को आप किस तरीके से अप्लाई करोगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दो मैथड्स होते हैं और यहाँ पे दोनों तरीकों को मैं ढंग से यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और साथ में किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप लोन को अप्लाई कर सकते हो वो कैसे करोगे वो सारी चीज़ भी बताऊँगा। और यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबिलिटी को अगर आप कंप्लीट करते हो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग तो आप लोग आसानी से इस लोन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच जरूर करना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। ध्यान से जो है सारे स्टेप्स को फॉलो करना तो आप लोगों के लिए लोन लेना काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगा। साथ ही में अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीन काम नहीं किया तो आप लोग फटाफट से ये काम कर दो, क्योंकि जब आप लोग ये काम करोगे तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे ऐसे ही वीडियोज लेकर आ सकूँ। साथ ही में नीचे कॉमेंट बॉक्स में आना है, आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोज वॉच कर रहे हो और साथ ही आपके लोन लेने का कारण क्या है। तो आइए जानते हैं किस तरीके से आप लोग ले सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से हाउसिंग लोन्स। तो बात किया जाए, ये हमारी मेन वीडियो है जिसको आप फिलहाल देख रहे हो। वीडियो के जैसे नीचे टाइटल होता है, जैसे आप लोग टाइटल पे यहाँ पे जो है क्लिक करते हो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाता है। जैसे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा तो आपको थोड़ा सा सबसे पहले तो ऊपर पढ़ना है और आपको वेबसाइट लिंक देखने को मिल जाएगी। तो वेबसाइट लिंक आपको जैसे ही देखने को मिलेगी ना, आपको सबसे पहले तो अपने वेबसाइट लिंक पे ही क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे तो लिंक ऑटोमेटिक आपके जो है गूगल के वेब ब्राउजर से रीडायरेक्ट हो जाएगी और जैसे गूगल के वेब ब्राउजर से आपका जो है यहाँ पर जैसे रीडायरेक्शन कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट एक गूगल के सर्च रिजल्ट में शो करेगा जो कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये जो वेबसाइट है आप लोगों ने सबसे पहले इस वेबसाइट पर ही विजिट करना है। अच्छा, विजिट करना क्यों है ये मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको को इस वेबसाइट पे जो है आपको विजिट करना होगा। सिंपली टाइप करना है और आप लोग आसान तरीके से जो है विजिट कर जाओगे। दूसरे स्टेप की मैं बात करता हूं तो आपको सिंपली करना क्या है कि आप अपने फोन में जो भी कोई ब्राउजर को यूज करते हो सिंपली आपको अपने फोन के उस ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के साथ ही यहां पे गूगल का वेब सर्च होता है, इस वेब सर्च पे आके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही मैं जो यहां पे आपको कीवर्ड बता रहा हूं इस कीवर्ड को जाकर आके आपको सिंपली सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpow.in। एक बार मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं कि कीवर्ड मैंने एग्जैक्टली क्या यहां पे लिखा हुआ है तो आप ये देख सकते हैं मैंने लिखा है loanpow.in और इसको मैंने जिस तरीके से लिखा हुआ है आप लोगों ने भी एग्जैक्टली यही कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड को सर्च करने के बाद जैसे ही आप यहां पे सर्च कंप्लीट करोगे तो यहां पे गूगल का सर्च रिजल्ट आएगा फर्स्ट पे और सिंपली इस वेबसाइट पे आपको कर देना है क्लिक। तो वेबसाइट पे क्लिक करने के साथ ही आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने खुल के आ जाएगी। वेबसाइट पूरी खुलने के साथ ही अगर हम इस वेबसाइट के पूरे ए टू जेड पॉइंट को नोटिस करें तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है लोन्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, भले वो बैंक से हो, भले वो प्राइवेट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म से हो या फिर आज की डेट में जो लोग जो है एप्लीकेशन वगैरह से लोन लेना प्रेफर करते हैं उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। अभी फिलहाल बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे आप लोग जो है ले सकते हो होम लोन्स को बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए बता दूँ ये जो लेफ्ट साइड में मेन्यू बार का ऑप्शन दिख रहा है, पहले तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो काफ़ी सारे लोन्स के ऑप्शन तो जो आपको बाकी सारे जो लोन्स के ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं इसमें से आपको सिंपली पहले बैंक लोन का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग बैंक लोन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे बैंकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स जो है आप लोगों के सामने जो है शो होने शुरू हो जाएंगे। बैंकिंग रिलेटेड आर्टिकल्स खुल तो जाएंगे लेकिन आपको एक बात पता होगी कि यहाँ पे बैंकिंग रिलेटेड में बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं तो ऐसे में आपको बैंक ऑफ बड़ौदा को पर्टिकुलरली सर्च करना पड़ेगा। दोबारा आपको इस मेन्यू बार के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब की बारी जो सर्च का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे यहाँ पे आके आपको सिंपली सर्च करना है बैंक ऑफ बड़ौदा और इस वर्ड को डाल के जो है सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे आप लोग इस वर्ड को डाल के सर्च कर लोगे अब आपके सामने इन्फॉर्मेशन
क्वेश्चन आएगी, जैसे कि एजुकेशन लोन, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बिजनेस लोन, होम लोन्स कैसे अप्लाई करें, तो सिंपली आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना है और हमारा मेन वीडियो का कंटेंट भी यही है। तो सिंपली आपको ये जो आर्टिकल मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इस आर्टिकल पे आपको क्लिक कर देना है। आर्टिकल पे आप जब क्लिक कर दोगे आपका आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जानकारी मिलेगी बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन्स एक्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है और यहाँ से लोन आप कैसे ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कितना पैसा मिलेगा, कितने महीनों के लिए मिलेगा या कितने सालों के लिए मिलेगा, कैसे पे कर सकते हो, कितना ज़्यादा आसान तरीका है और कितना क्या क्या फायदे हैं इसके, इस सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी जो मैं वीडियो में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे हिडन चार्जेस वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा, तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों से होप करता हूँ कि आप इसको पूरा जरूर पढ़ें, क्योंकि जब पूरा पढ़ोगे तभी आप लोगों के सामने जो है सारे के सारे लोन्स की ट्रांसपेरेंसी खुल के आ सकेगी। अभी मैं आपको सीधा मेन पॉइंट पर लेकर चल रहा हूँ, यानी कि आप लोग लोन को अप्लाई कैसे करोगे, सीधा मेन इन्फॉर्मेशन। उसके लिए आपको ये जो अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी इस पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेब पेज, जो कि कुछ इस तरीके से आपके सामने शो करेगा और बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप जो सीधा जो है अभी आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के हाउसिंग लोन्स वाले ही पेज पर हो, क्योंकि ये साइट की जो पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी हैं। अब ऐसे में हम फिलहाल बात कर लेते हैं जिनका अकाउंट ऑलरेडी है बैंक ऑफ बड़ौदा में और वो इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस करने के साथ ही कैसे ऑनलाइन लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन लोन अप्लाई के लिए आए हैं उनके पास बस यही चीज़ इनके रिक्वायरमेंट में है कि अकाउंट होना चाहिए और साथ ही में वो इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस करते हुए होना चाहिए। जो लोग इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस कर रहे हैं लॉग इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सिंपली जो है नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आगे लॉग इन कीजिए। लॉग इन करने के साथ ही जो है आप लोग का यहाँ पर जो है आप इस फीचर के लिए आप अनेबल मतलब एक्सेस कर जाओगे प्रॉपर कि आप लोग हाउसिंग लोन को ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑनलाइन लोन का भी फीचर अनेबल नहीं है, बट जैसे ही अनेबल होता है डेफिनेटली आप लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि जिनका अकाउंट है बट वो इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस नहीं करते हैं वो लोग लोन कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूँ जो फटाफट से आपको जो है समझनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन में पहली चीज़ बताई गई कि यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, वरना बहुत सारे जो है बैंक्स में आपको हिडन चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले चीज़ इस लोन को लेने के लिए बंदा इंडियन होना चाहिए और अगर वो NRI भी है तो भी चलेगा, लेकिन उसके पास जो है प्रॉपर जो पासपोर्ट वगैरह जो है उसके पास होनी चाहिए। जो एज होनी चाहिए मिनिमम उसकी 21 साल होनी चाहिए और को एप्लीकेंट की जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल होनी चाहिए एज। अब यहाँ पे लोन को आप लोग ले सकते हो मैक्सिमम 30 साल के लिए और जो लोन का मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 20 करोड़ तक जाता है, लेकिन आप लोग अपने जो है फाइनेंशियल के हिसाब से आप लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से लोन लें। जैसे कि आज की डेट में अगर कोई बंदा 10 15 20 या 30 हज़ार तक की मिनिमम सैलरी पे मंथली काम करता है तो उसके लिए कम से कम भी तो 30 से 40 लाख का लोन इनफ है अगर वो इस सैलरी बेसिस पे काम कर रहा है, क्योंकि इससे ही उसको जो है अपने लोन अमाउंट्स को पे करना पड़ेगा, उसके इंटरेस्ट रेट को पे करना पड़ेगा और अपने घर के को भी चलाना पड़ेगा, घर के मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए है। और साथ ही बता दूं जो लोन अमाउंट्स है वो आपके जो है सिटीज़ और आपके जो है मतलब प्रॉपर आपके रेजिडेंशियल आपके हिसाब से जो है मेट सिटीज़ के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे कोई अगर जो बंदा दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में रह रहा है तो वहाँ पर उसको जो है कह सकते हो कि लोन अमाउंट ज़्यादा मिल जाएगा, कोई अर्बन एरियाज़ में रह रहा है तो 3 करोड़ तक का आपको लोन मिलेगा, सेम ही अर्बन एंड रूरल एरिया में 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, ये डिपेंड करता है ऐसे ही। अभी हम फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की, तो बात अगर बात की जाए डॉक्यूमेंटेशन की तो देख लो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिंपली यहाँ पे पूरा फॉर्म ही है, तो मैं दिखा देता हूँ ये एप्लीकेशन, ये आप इस PDF फॉर्मेट को जो है यहीं से पा सकते हो, PDF फॉर्मेट आप जो है साइट पे मिल जाएगी, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे दो प्रेफरेंसेस दिखाए गए हैं, एक तो उन लोगों के लिए जिनका खुद का कुछ काम धंधा है और साथ ही में दूसरे उन लोगों के लिए जो कि जॉब बेसिस पे है सैलरी बेसिस पे काम करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना कितना ज़रूरी है यहाँ पे वो सारी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, हालांकि सेम इन्फॉर्मेशन मैंने अपने आर्टिकल में भी दी है तो आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आसान लगेगा, लेकिन आप इसको अभी पढ़ सकते हो ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो देखो चार्जेस आपको जो है कुछ रेपो रेट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैं इतना कहता हूँ कि आपके लिए जो है ये अफोर्डेबल हुआ है। देखो आपकी इफेक्टिव प्राइस जो है 7.95% के हिसाब से पर एनम के अकॉर्डिंग पड़ेगी, जो कि सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो पर्सनल लोन की जो ही यहाँ पर एनम की इंटरेस्ट रेट की बात करते हो तो 12% से ऊपर की होती है, तो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा और इतने सालों के लिए आपको लोन मिल रहा है तो ये बहुत ज़्यादा आसान बात है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप लोग लोन को कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से आप लोग कैसे लोन को अप्लाई करोगे। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये सभी रेजिडेंट्स के लिए है जो इंडिया में स्पेशली रहते हैं, तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप 3 तरीके से पा सकते हो हमेशा की तरह। कैसे पाओगे, सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल साइट पे ऑनलाइन जाके पा सकते हो, अगर वहाँ से आपको बाई चांस नहीं मिलता या फिर अगर आपको फाइंड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के और वहाँ टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, सबसे पहले क्लिक करके फॉलो कर लो और वहाँ पे आके आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ऊपर ही पॉपअप करता हुआ मिल जाएगा, तो आप इसको वहीं से पा सकते हो। और तीसरा सबसे आसान तरीका है आप लोग अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच
ब्रांच में जाइए, वहाँ पे आप इसको जो है सिंपली बोरो कर सकते हो। सबसे पहले बता दूँ यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है काफ़ी ज़्यादा आसान डिटेल्स है, कोई इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ के भी भर सकते हो। जहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ेगी, इसके बाद बारी आती है आपके जो है सैलरीड अबाउट या सेल्फ एम्प्लॉयड, आप जो भी हो यानी कि आप जिस भी बेसिस पे काम करते हो उसकी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा सभी चीज़ों को, ठीक है। साथ ही मैं बात करते हैं इनकम डिटेल्स की, तो आपकी इनकम डिटेल्स जाहिर सी बात आपकी सैलरी बेसिस पे आएगी, तो कितनी आती है, कितने महीने में कितने आपके खर्चे हो जाते हैं, सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और साथ ही में नेटवर्थ बता सकते हो, और यहाँ पे लोन लेने का कारण बताना है जो कि आप लोगों को पता ही है कि हाँ भाई कितना है। अब यहाँ पे जो भी आप लोग होम लोन के लिए जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको होम लोन का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी एज ए डॉक्यूमेंट्स के तौर पर तैयार करना पड़ेगा। सपोज करो अगर आप लोगों ने 30 लाख के लिए लोन को अप्लाई किया हुआ है, तो आपका जो है 30 लाख में से आपको जो है मतलब कह सकते हो कि सपोज करो 50 लैक्स का प्रॉपर आपका जो है कंस्ट्रक्शन और आपका लैंड बनता है, ठीक है। और ऐसे में आप लोग जो है यहाँ पे बैंक आपको प्रोवाइड करवाती है यहाँ पे मात्र 90% तक के लिए लोन, एक तरीके से मानी चलो 90% तक के लिए आपको जो लोन मिल रहा है। तो इसका मतलब पहले 5 लाख आपको खुद एक्सपेंस करना पड़ेगा, बाकी के जो 90% है एग्जाम्पल के तौर पर यानी 45 लाख के लिए आप जो है लोन को अप्लाई कर सकते हो, ये एग्जाम्पल के तौर पर, बट जो लोग 30 लाख के हिसाब से उसको समझ सकते हैं उसका आपको डिटेल यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा कि जिस भी जगह आप घर ले रहे हो वो जो है पूरा उसका जो है ज़मीन के कागजात आपके पास होने चाहिए, चाहे वो जैसे भी आप जो है उसके फोटोकॉपी या फिर ओरिजिनल जो भी है। साथ में जो कंस्ट्रक्शन आप करवा रहे हो कंस्ट्रक्शन के आपको फीस चार्जेस के हिसाब से पूरी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसके डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करना है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सैलरी वगैरह के तो पता ही है, और साथ ही में होम लोन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होकर अटैच कर देना है इस फॉर्म के साथ में। इसके साथ ही जो है पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हुआ लास्ट में सिग्नेचर कर देना है, इसके बाद जाके आपको अपने ब्रांच में आके सबमिट कर देना है बैंक ऑफ बड़ौदा के, और सिंपली आपका जो है होम लोन अप्लाई हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा आसान काम है, लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो फिर इसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर अगर आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए तो आप मुझे जो है टेलीग्राम चैनल पे आके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं इंस्टेंट रिप्लाई देता हूँ। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बाय।